हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए बात करते हैं बीपीएससी का। तो देख सकते हैं आप लोग, जो कि बीपीएससी का जहां तक बात है, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। यहां पे आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न पदों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों को आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधिसूचना 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से प्राप्त हेतु प्राप्त पदों निम्नांकित सारणी वन में दर्शाया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों, जो कि प्रशासनिक सेवा जो है, आप यहाँ पे बिहार प्रशासनिक सेवा, इसके लिए टोटल 88 पद है। और यहाँ पे यदि राज्य सरकार का सहायक आयुक्त का यदि देखें तो उसमें जो है 21 पद दिया गया है यहाँ पे टोटल। और यदि आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि अवर निर्वाचन अधिकारी का जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 पद है। वहीं पे शिक्षा सेवा में जो है वो आपको 12 पद दिया गया है। नियोजन पदाधिकारी और जिला नियोजन पदाधिकारी का जो है वो आपको सिर्फ 2 पद है। और श्रम अधीक्षक बिहार श्रम सेवा संसाधन विभाग में जो है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2 पद है। सहायक निर्देशक का भी 2 पद है आपके पास, सहायक निर्देशक का, सॉरी दोस्तों, 12 पद है सहायक निर्देशक का। और जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 4 पद दिया गया है। सहायक योजना का जो है वो उसमें 52 पद दिया गया है पदाधिकारी। और आप यहाँ पे आगे यदि देखें 10 नंबर में, तो यहाँ पे जिला कनेक्शन पदाधिकारी जो है वो 5 पद दिया गया है। ग्राम विकास पदाधिकारी का 133 पद जो आ रहा था पेपर में वो दिया गया है। नगर कार्यपालिका पदाधिकारी को 10 पद दिया है। राजस्व अधिकारी एवं समक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए 36 पद दिया गया है। और आपूर्ति निरीक्षक के लिए जो 4 पद दिया गया है। प्रखंड पंचायत के लिए जो है 18 पद दिया गया है। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पदाधिकारी के लिए टोटल 52 पद दिया गया है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो जनरल का टोटल सीट यदि देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल का 230 सीट दिखा रहा है और टोटल सीट जो है वो 555 दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 555 दिखा रहा है। तो चलिए, और जहाँ तक एज की बात है तो एज में ऐसा कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो कि अनारक्षित पुरुष का जो है वो 37 साल ही दिया गया है। तो एज का जो मामला था बढ़ाने का वो भी नहीं बढ़ा है। तो चलिए, आप लोग के लिए यही न्यूज अभी आया है और जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो धन्यवाद, आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।